आवाज मत करो। वीडियो ले रहे हैं। ये हमारी साफ आ रही बाबा, ये हमारी किंग्स कॉलोनी है, असद साहब के महकुमे में, क्या बोलते हो, असद साहब के घर के दामन में ही है। लोगों की हालत देखिए, कुर्सियों पे बच्चे को बिठा के लेकर जा रहे हैं, और ये देखो उम्र दराज लोग, एक बच्चा बम्बू थामे हुए सबको लेकर चल रहा है। घर खाली करने पे मजबूर हो रहे हैं, उनका घर, गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाजू की गाड़ी बताओ उनको जरा वीडियो में, ये गाड़ी देखिए आप, मुसलसल 10-12 दिन से गाड़ी डूबी हुई है, ये गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा AIMIM को वोट देने का नतीजा है। ये हमारे मिसबाउद्दीन काउंसलर को यही पानी में जूता डुबा के मारना मुंह पे, वोट लिए बात से देखे नहीं, वोट लिए बात से अब तक नहीं देखे मिसबाउद्दीन साहब को, यही पानी में डूब के मरो बोलो। यहाँ से भी आप लोगों को आते हुए देख पा रहे हैं, ये लोग घर खाली कर रहे हैं है पूरा, गुजरे 6 दिनों से कंटिन्यू पानी कम नहीं हुआ, लोग खाएंगे कैसे, लोग कमाएंगे कैसा, जाएंगे कैसा, कुछ इसका हल निकालिए आप लोग, बे इंतहा परेशान है हम लोग। बोरिंगों में भी पूरा मोहरियों का पानी घुस गया पूरा, ना सक रहे, ना पानी मुंह में ले सक रहे, कुछ भी नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं पानी से, ये कोई मदद के लिए कोई हाथ आगे अभी तक कोई बढ़ाए नहीं, तो ये शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी के ये हाल है। किंग्स कॉलोनी कहीं को बोल रहे हैं यार, वो फकीर कॉलोनी बोलो, किंग्स कॉलोनी है ये, डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लिए गए हमारे से, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट आप लोग देख सक रहे हैं कितने अच्छी तरीके से डेवलप हुई है कॉलोनी ये। यहाँ पानी में सांप तैर रहे हैं, लोग जाने आने के लिए डर रहे हैं, यहाँ पे मछली सांप मेंढक तरह तरह के जानवर यहाँ पे पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर से। अभी ये वीडियो मैं थर्ड फ्लोर से ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमारा तकरीबन डूबा हुआ है। ये घर आप देख सक रहे हैं, ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊपर करके ये घर बनाए हुए हैं। अभी घर का काम रुका हुआ है पानी की वजह से। तो ये वीडियो जितना हो सका उतना शेयर करिए भाई, ये देखिए। नाली खोदी गई थी 2 साल पहले, आज तक वो गड़ा भरा नहीं, वो गड़ा वैसी छे, पानी बहने का बहरा, लोग मसलरा सब पैसे अलॉट हुए सो खा के बढ़ गए होंगे, असल मसला वो है, वो मेन होलों के कौन से ढक्कना खुले है पता नहीं, अब लोग पानी में तो जगह से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से कोई मेन होल में उतर गया तो कौन मालूम कौन जिम्मेदार है इस चीजों का। हाँ इंशाल्लाह ये साल अगले साल तकलीफ नहीं आएंगी बोल के, लास्ट ईयर अहमद पाशा खादरी फोटो लिए आके जायजा लिए, अहमद पाशा खादरी भी उधर ही छो गए, उनके फोटो भी उधर ही छो गए, फिर ये पिछले साल से भी खतरनाक ज्यादा तकलीफ है। ये हमारी कॉलोनी फोटोकशी का माहौल बनी हुई है, बस पॉलिटिशियन आ रहे हैं खाली फोटोज लेके चले जा रहे हैं। अब कहाँ लास्ट ईयर आए थे, ये साल तो कोई भी भटक के अभी तक कोई नहीं है, क्यों, यहाँ पे पब्लिक परेशान है, वोट लेते वक्त आते लोग, इंजीनियर है अमेरिका के, इंजीनियर है मिसबा साहब, अच्छी इंजीनियरिंग बता रही हैं यहाँ के अमेरिका की, यही पानी में धो के पी लेना है मिसबा साहब इंजीनियरिंग को।